सुप्रभात बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपका पार्ट पढ़ा था, पार्ट 3 मेरा मित्र और उसके शब्दार्थ और बहुविकल्पी प्रश्न को देखा और लिखा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 63 सोचो और बताओ, उसमें हमारा पहला प्रश्न है, सचिन कौन है? सचिन कौन है? कौन है सचिन? मित्र। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर? सचिन मित्र है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ पर हमारा सचिन भी प्रश्न के अंदर है और कौन की जगह हमने क्या लिखा है? मित्र। और है भी हमारा प्रश्न में ही है, तो सचिन मित्र है। कौन है सचिन? सचिन मित्र है। प्रश्न नंबर 2, उसके पिताजी क्या करते हैं? उसके मतलब किसके पिताजी? सचिन। उसके पिताजी क्या करते हैं? क्या करते हैं सचिन के पिताजी? डॉक्टर हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, सचिन के पिताजी डॉक्टर है। सचिन के पिताजी डॉक्टर है। हमें प्रश्न लिखते समय हम पूरा प्रश्न होने के बाद क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। और जब हमारा आंसर पूरा हो जाएगा तो आंसर पूरा होने के बाद हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमेशा एक सीधे डंडे के रूप में लगाया जाता है। नंबर 3, उसकी माताजी क्या करती है? उसकी मीन्स सचिन की। तो उसकी माताजी क्या करती है? क्या करती है उसकी माताजी? कौन है? टीचर। तो हम उत्तर लिखेंगे, सचिन की माताजी अध्यापिका है। और क्या लगाएंगे हम? पूर्ण विराम। सचिन की माताजी अध्यापिका है और इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। नंबर 4, सचिन पढ़ाई में कैसा है? ये क्या है हमारा? प्रश्न। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। सचिन पढ़ाई में कैसा है? क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। अब उत्तर, सचिन पढ़ाई में कैसा की जगह हमने क्या लिखा है? बहुत अच्छा है। सचिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है। यहाँ हमारा उत्तर खत्म हुआ तो हमने लगाया यहाँ पर पूर्ण विराम। अब हम लिखेंगे अगला प्रश्न नंबर 5, पार्क में कैसी हवा मिलती है? पार्क मीन्स बगीचा। बगीचे में कैसी हवा मिलती है? ताजी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पार्क में ताजा हवा मिलती है और लगाया हमने पूर्ण विराम। हमें हर उत्तर के बाद में पूर्ण विराम लगाना है और हर प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह भी लगाना है। पार्क में ताजा हवा मिलती है। हम एक बार सारे प्रश्नों को फिर से पढ़ते हैं। पहला है हमारा, सचिन कौन है? सचिन कौन है? तो सचिन मित्र है। प्रश्न नंबर 2, उसके पिताजी क्या करते हैं? तो सचिन के पिताजी डॉक्टर है। प्रश्न नंबर 3, उसकी माताजी क्या करती है? सचिन की माताजी अध्यापिका
है। प्रश्न नंबर 4, सचिन पढ़ाई में कैसा है? सचिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 5, पार्क में कैसी हवा मिलती है? तो हमने उत्तर क्या लिखा, पार्क में ताजा हवा मिलती है। उसी के नीचे है हमारा पढ़ो और समझो, उसमें दिया है हमारा अध्यापक अध्यापिका, पिताजी माताजी, बेटा और बेटी। इसमें क्या बदला है हमारा, लिंग बदला है, किसे अध्यापक और अध्यापिका, ये इसमें हमारा लिंग बदला है। तो हम यहाँ लिखेंगे क लिंग बदलो। नंबर 1 अध्यापक अध्यापिका, नंबर 2 पिताजी माताजी, नंबर 3 बेटा बेटी। अगले हैं शब्द हैं हमारे मीठा कड़वा, ये क्या है हमारे विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा अर्थ। तो हम लिखेंगे ख विलोम शब्द, नंबर 1 मीठा कड़वा, नंबर 2 सच्चा झूठा, और नंबर 3 प्रसन्न। प्रसन्न के आगे हम अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अ प्रसन्न। उसी के नीचे है हमारा लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, गर्व धर्म कर्म प्रसन्न। आपको इनको दोबारा से लिखना है अपनी पुस्तक में, ये आपको आपकी बुक में ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 64, सच्चा मित्र और अध्यापिका, ये भी आपको लिखना है। इसके नीचे है हमारा वाक्य पूरा करो। यहाँ पर लिखा है सचिन पढ़ाई में कैसा है, सचिन पढ़ाई में, हमें इस वाक्य को पूरा करना है। तो सचिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये हमारा वाक्य पूरा हुआ। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। अगला है हमारा सभी उसे, सचिन को सभी क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सभी उसे प्यार करते हैं। यह वाक्य पूर्ण हुआ तो हमने लगाया पूर्ण विराम। अगला है हमारा हम दोनों मित्र, कहाँ जाते हैं हम दोनों मित्र, प्रातःकाल हम दोनों मित्र प्रातःकाल सैर करने जाते हैं। अगला है हमारा मुझे अपने, मुझे अपने को हम कैसे पूरे करेंगे, मुझे अपने मित्र पर गर्व है, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। ये आपको बुक में ही करना है, आपकी कॉपी में नहीं करना है। अब हम मिलेंगे आपके अगले वीडियो में।